हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आपके फोन में नेट, इंटरनेट, डेटा कुछ भी बोल सकते हैं आप अगर नहीं चल रहा है तो भाई कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप इंटरनेट का मजा नहीं ले पा रहे हो, तो भाई सबसे पहले तो आपको अपने फोन का भाई रिचार्ज चेक कर लेना है कि आपके फोन में रिचार्ज है या नहीं, रिचार्ज खत्म तो नहीं हो गया है। और अगर रिचार्ज है तो भाई कहीं आपका एक सिम में रिचार्ज है तो जिस सिम में रिचार्ज नहीं है, जैसे दो सिम हम यूज करते हैं ज्यादातर, भाई आजकल फोन में डबल सिम के आते हैं, तो कहीं भाई आपका जियो में रिचार्ज है और आप यूज कर रहे थे इंटरनेट, हम या जियो का यूज कर रहे हैं और है हमारे में वोडाफोन में जो रिचार्ज हमने करा लिया है, ठीक है, तो कहीं वो गलती से चेंज तो नहीं हो गया कि भाई हम जियो का हमारे है वी इंडिया का और यहाँ से सेटिंग के अंदर जो है वो चेंज हो गया, यहाँ से चेंज हो जाता है रिचार्ज तो हमारा भाई जियो में और हमारा वी इंडिया का यूज कर रहे हैं, तो भाई कहाँ से चलेगा। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि अगर आपका रिचार्ज खत्म तो नहीं हुआ, खत्म हुआ तो रिचार्ज करा लेना है, और अगर रिचार्ज आपने करा रखा है जियो में और यहाँ से सिम गलत सिलेक्ट तो नहीं हो गई है, तो ये भी आपको चेक कर लेना है कि जिस सिम में रिचार्ज है उसी का हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, अपने फोन को एक बार यहाँ पे आपको ऊपर नीचे करो ना इसको स्क्रॉल, यहाँ पे आपको हवाई जहाज दिखेगा, एरोप्लेन मोड बोलते हैं, तो आपको एक बार इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करते हैं भाई ऊपर सारे नेटवर्क भाग जाएंगे, जैसे कहता हूँ यहाँ से कटेंगे ना, यहाँ पे नेटवर्क रहते हैं ऐसे, हमारे ये नेटवर्क यहाँ पे रहते हैं, यहीं से देखो नेट चलता है। तो आपको क्या करना है, एक बार इसको यहाँ से ऑन कर देना है, इसको उड़ा देना है, तो ये उड़ गए यहाँ से, नेटवर्क भाग गए। और उसके बाद आपको 5 से 10 सेकंड का भाई वेट कर लेना है, उसके बाद क्या आपके नेटवर्क जो है आप जब दोबारा यहाँ से इसे हटाओगे तो यहाँ से भाई ऑटो कनेक्टेड दोबारा से रिफ्रेश आपके सारे नेटवर्क्स हो जाएंगे। ये वाली सेटिंग आपको कर लेनी है, इसके बाद अपना नेट चेक करना है चल गया या नहीं चला। अगर नहीं चला है तो दोबारा भाई सेटिंग्स में आपको आ जाना है, मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा, उसके बाद जिस भी सिम में आप नेट यूज कर रहे हो उसको एक बार यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ओपन करोगे इसको आपको यहाँ पे देखना होगा, एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन दिखाई देगा इस तरीके का, इस पर क्लिक करना है, ऊपर 3 डॉट की बिंदी दिखाई देंगी, इस पर क्लिक कर लेना है, रीसेट एक्सेस पॉइंट्स, ठीक है, हमको इसको रीसेट करना है, इस पर क्लिक करना है, नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगा रीसेट का, ये देखिए आपको दिखेगा, दोबारा से इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे ये रीसेट डिफॉल्ट हो चुका है, मतलब रजिस्टर हो चुका है, तो आपका ये जो है ना रीसेट हो चुका है, ये आपको कर लेना है, इसमें कोई सेट साट नहीं करनी है, ये भाई यहाँ से दिक्कत हो जाती है। उसके बाद आपको ऑपरेटर के अंदर आ जाना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ से ऑफ कर देना है, ऑफ करते ही यहाँ पर भाई ये टर्न ऑफ हो जाएगा, इसे करना है ऑफ, दोबारा ऑफ करना है। अब ये भाई रिसर्चिंग करेगा दोबारा से आपके नेटवर्क्स को, क्योंकि नेटवर्क से भाई कुछ दिक्कत आने के बाद ही अगर आपके फ़ोन पे रिचार्ज प्रॉपर है तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आने के कारण ही आपका नेट जो है इंटरनेट नहीं चलता है फ़ोन में। तो इसको सिंपल सा है भाई, सर्च कर लेना है, इसको सर्च करने दो, यहाँ से भाई ये टॉप नेटवर्क आपके सर्च कर लेगा, ठीक है। आपका जियो 4G है, हमारा तो मेरे पास 5G तो है नहीं, 5G कनेक्ट कर देता। ये करने के बाद आपको दोबारा से भाई इसको जरूर ऑन कर देना, ऑटो सिलेक्ट पे इसको कर देना है, ठीक है, ऑटो सिलेक्ट कर दें, आपके नेटवर्क्स भाई दोबारा से ठीक तरीके से वर्क करने लगेंगे। बस ये छोटी सी 2-4 सेटिंग है जो आपको कर लेनी है, इसे करने के बाद आपका नेट मस्त तरीके से चलने लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो, ऐसी और वीडियोस देखनी है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।